another embarrassing loss for साउथ अफ्रीका एंड ऑब्वियसली हिंदुस्तान बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है यार. अब हम क्या कह सकते हैं उनकी क्रिकेट के बारे में. ये तो पता लग गया है कि इंडिया इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम. इनके सामने मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता कोई टीम ठहर पाएगी और बनता भी नहीं है यार. उनके पास बॉलिंग पूरी, बैटिंग पूरी. संजू ने बहुत जबरदस्त सेंचुरी की है, लेकिन साउथ अफ्रीका में खड़े होकर T20 मैच में अगर आप सेंचुरी कर रहे हैं तो डेफिनेटली फिर आपकी वाह-वाह तो होगी. संजू 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 सैमसन जनाब, नाम है एतमाद का. 160 टोटल किया है, उसमें से 10 छक्के संजू सैमसन के, और जिस तरीके की हिटिंग की है, रेंज ऑफ शॉट जो है वो इमेंस है भाई. इस पे संजू सैमसन रुकने का नाम नहीं ले रहा. पहला इंडियन बन गया टू हिट बैक टू बैक टी20 हंड्रेड्स, एंड ही इज नॉट ओनली द फर्स्ट इंडियन, ही इज आल्सो द ओनली इंडियन टू हिट द फास्टेस्ट सेंचुरी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इन टी20 फॉर्मेट. पूरे हिंदुस्तान के 200 रन में सिर्फ और सिर्फ संजू सैमसन है. संजू सैमसन, संजू सैमसन, संजू सैमसन अकेला लॉर्ड वॉरियर, मार मार के, मार मार के, माशाल्लाह माशाल्लाह. लेकिन जो संजू सैमसन खेल के गया ना, तब भाई बल्लेबाजी, मतलब कि ये बंदा है तो है क्या चीज, अखीर किस्म का बल्लेबाज है. पहली सेंचुरी इंडिया के अंदर, दूसरी सेंचुरी साउथ अफ्रीका के अंदर, कोई मजाक है. T20 में खास तौर पर बहुत बहुत मुबारक हो संजू को. जितना क्रिटिसिज्म, जितनी आहू बका, जितनी शोर शराबा, जितनी प्रोटेस्ट, जितना लोगों की डिमांड, फैन फॉलोइंग इस आदमी के साथ लगी हुई थी, तो कहीं ना कहीं तो इससे पे करना था. और जहां जहां मौका मिला वहां थोड़ा थोड़ा करता हुआ जरूर आया, मगर ये कि बैक टू बैक सेंचुरी मार देना और उसके बाद एक अगले T20 में नहीं पता कि संडे को फिर ये फिर कार्रवाई डाल दे, क्योंकि साउथ अफ्रीका ऐसा लग रहा है सूट कर गया उसको. मगर although South African bowlers wasn't that bad, but it was Sanju Samson जिसने उनकी line और length को हिला दिया. 50 बॉलों में 107 रन, और अगर संजू सैमसन की प्रोग्रेशन देखें आप, कि शुरू के 27 बॉलों में 50 रन आए और अगली 20 बॉलों में 50 रन आए, 47 पे इसने 50 किए, so it shows कि one is not even being selfish. संजू सैमसन तुम चीज क्या हो, और बिल्कुल कंडीशन अलग है. ऐसी वैसी कंडीशन यहाँ पे बॉल पेस के साथ आ रहे, लेकिन आपने देखा उसका स्टाइल, उसका स्टाइल ही चेंज हुआ. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों. आज भारत ने साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में ही अपना पहला T20 हरा दिया है, और जिस तरीके से आज संजू सैमसन ने पहले इनिंग्स में ताबड़तोड़ सेंचुरी मारे हैं, आज सारा का सारा जो मजा है वो संजू सैमसन ने ही लूटा है. और उसके बाद जो स्पिन अटैक था वो पूरी तरह से फंसा के चली गई, कह सकते हैं कि साउथ अफ्रीका को वन साइडेड विक्ट्री कह सकते हैं भारत का नाम रहा. पाकिस्तान मीडिया भी जमकर संजू सैमसन की तारीफ कर रहा है भारत की जीत को लेकर. चलिए वीडियो देखते हैं. संजू ने बहुत जबरदस्त सेंचुरी की है, संजू सैमसन ने बहुत ही बढ़िया पारी खेली, लेकिन साउथ अफ्रीका में खड़े होकर T20 मैच में अगर आप सेंचुरी कर रहे हैं तो डेफिनेटली फिर आपकी वाह वाह तो होगी. हाईलाइट ऑफ द डे जो है वो संजू सैमसन है, 10 छक्के और फिलहाल में यार ये कंसिस्टेंट, ये दूसरी सेंचुरी है उसकी, बैक टू बैक सेंचुरी मार रहा है, शायद ये फिलहाल में पहला इंडियन बन गया T20 में. खास तौर पर बहुत बहुत मुबारक हो संजू को. जितना क्रिटिसिज्म, जितनी आहू बका, जितनी शोर शराबा, जितनी प्रोटेस्ट, जितना लोगों की डिमांड, फैन फॉलोइंग इस आदमी के साथ लगी हुई थी, तो कहीं ना कहीं तो इससे पे करना था. और जहां जहां मौका मिला वहां थोड़ा थोड़ा करता हुआ जरूर आया, मगर ये कि बैक टू बैक सेंचुरी मार देना और उसके बाद एक अगले T20 में नहीं पता कि संडे को फिर ये फिर कार्रवाई डाल दे, क्योंकि साउथ अफ्रीका ऐसा लग रहा है सूट कर गया उसको. मगर जबरदस्त बैटिंग डिस्प्ले, तो फिर वो टोटल पे आपको फर्क नजर आ रहा होता, मगर संजू ने करार नहीं लिया, इससे अपना एक तो रिकॉर्ड बेहतर किया T20 100 मारने का. मकाल में जय 49 50 बॉल्स के ऊपर है, पहला वाला 100 जो उससे मारा है, मगर ये जो 100 है उसका ये टाइम डिसाइडर है. मतलब ये डिसाइड करना था संजू सैमसन ने इस सीरीज के ऊपर कि यार ये सेना में जाके किस अंदाज से परफॉर्मेंस देता है. संजू 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 सैमसन जनाब, नाम है एतमाद का. मुसलसल दूसरे मैच में, लास्ट मैच जब खेला था 297 वाला, उसमें भी आपको याद है कि 235 के स्ट्राइक रेट से सेंचुरी बनाई थी, तो आज भी इनिंग्स में 10 छक्के शामिल हैं. 160 टोटल किया है, उसमें से 10 छक्के संजू सैमसन के, और जिस तरीके की हिटिंग की है, रेंज ऑफ शॉट जो है वो इमेंस है भाई इस पे. लेकिन जो इसने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से जो छक्का मारा, क्या ही खूबसूरत टाइमिंग थी उसकी, क्या ही लाजवाब टाइमिंग थी. तो भाई साहब, ये बंदा जो कि इतने अरसे से क्या क्या के जी संजू सैमसन स्पेशल टैलेंट है, उसको चांस मिलना चाहिए, उसको मौका मिलना चाहिए, उसको एक्सटेंडेड रोप मिलना चाहिए. तो देख लीजिए कमाल, पिछले मैच में भी 100 और आज में भी 100, और वो आउट होके गया, रन ही रुक गए हैं. अगर आप बोलेंगे जी एक बाउंड्री ठीक है, एक साइड की बाउंड्री छोटी है, 60 मीटर से कम है, तो सबके लिए है. जैसे वो आउट होके गया, रन की रफ्तार बिल्कुल मध्यम से हो गई है, एंड पे उस तरह की हिटिंग भी नहीं हो सकी. तो संजू सैमसन 10 छक्कों के साथ ये इंडिया का टॉप का बैट्समैन है, विकेट कीपर बैट्समैन. बस इसको लॉक कर देना चाहिए कि भाईजान T20 में अब अगर कोई विकेट कीपर होगा वो इंडिया का, तो वो संजू सैमसन होगा. इस बंदे में दम है, ये 150 के स्ट्राइक रेट से खेलेगा और ये उससे ऊपर भी जाएगा. वो बेहतरीन किस्म की इसके पास जो शॉट्स हैं वो एक से बढ़ के एक बढ़िया शॉट्स, 10 छक्के. पिछले मैच में 8 छक्के मारे थे बांग्लादेश के खिलाफ, और ये फास्टेस्ट इसने इंडिया की जानिब से साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरी की आज, फास्टेस्ट बाय एनी इंडियन. ऐसा लग रहा था कि शुभम गिल का रिकॉर्ड तोड़ देगा, 124 नॉट आउट जो हाईएस्ट इंडिया की तरफ से है. रेंज ऑफ शॉट्स इमेंस, स्पिनर्स वो बेचारे, उनके जितने भी बॉलर्स थे, क्या पुराने बॉलर, क्या नए बॉलर, क्या डेब्यूटेंट, किसी एक को भी नहीं बख्शा, किसी एक को भी नहीं बख्शा, और इतनी शानदार हिटिंग की है, मजा आ गया. और ये बंदा ऐसा है कि जब ये बैटिंग कर रहा हो, प्लीजिंग टू द आई, देख के मजा आता है.
कि जो भी शॉट्स हैं ऑफ साइड के बाहर की लाइन पकड़ी है तो उधर से चौके मारे हैं, उधर से छक्के मारे हैं। स्पिनर्स की लाइन को तो इतना जल्दी जज करके और कई गेंदों पर जो मिड विकेट पर छक्के उठा के मारे हैं, कई गेंदें बीच में ऐसी थी कि जो कि शॉर्ट बॉल भी नहीं थी, इतना ठप्पा पीछे भी नहीं था, फिर भी उसकी लाइन और लेंथ को जांच के और बेंट होकर थोड़ा सा गेंद को वहां से उठाना, यह स्पेशल टैलेंट की बात है भाई। और वो उठा के जो मिड विकेट पर छक्के मारे हैं वो शानदार, वो बेहतरीन, वो जानदार। तो मजेदार किस्म का इसने आज जो फिर डिस्प्ले किया और दूसरों की निस्बत ये कोई डिफरेंट लेवल पे नजर आ रहा था। मेजॉरिटी ऑफ हिज शॉट्स जो है वो ये मैनेट पे भी खेलता है और अपने शॉट्स भी क्रिएट करता है, लेकिन वो वाली फीलिंग और वो एहसास नहीं होता कि ये अभी आउट होके गया, कि अभी आउट होके गया। तो ये एक शानदार किस्म टॉप लेवल की पावर हिटिंग एबिलिटी along with this sense and he is amazing. Sanju Samson Bangladesh ki T20 se leke South Africa ke first T20 tak Sanju Samson rukne ka naam nahi le raha. Sanju Samson jo ke kafi radar mein the, kafi inko chances mile, tukdo mein mile, ek aisa talent jiske liye kaha jata hai iske paas range aur strokes ki bharmar hai, kya gutsy player hai, lekin jab isko chances milte the deliver nahi kar pata tha. Lekin Gautam Gambhir ki jab management aayi, Gautam Gambhir ne realize kiya ki Sanju Samson ka jo sahi potential hai shayad wo opening slot ke andar hai. Aur देश के तीसरे T20 से जो फाइंडिंग मिली और तीसरे T20 में 111 रन की इनिंग्स खेली थी संजू सैमसन ने, इंडिया ने रिकॉर्ड 297 रन बनाए थे। T20 के बाद दूसरा T20 आया, संजू सैमसन तो वैसे शुरू हुआ जैसा वो बांग्लादेश के खिलाफ था, पिच हैज नॉट टू मच टू ऑफर और एक साइड की बाउंड्री भी बड़ी छोटी है, लेकिन संजू सैमसन ने भाई इतने लंबे लंबे छक्के मारे कि 70 मीटर की बाउंड्री भी होती तो भी वो क्रॉस करते। पहला इंडियन बन गया टू हिट बैक टू बैक T20 हंड्रेड्स एंड ही इज नॉट ओनली द फर्स्ट इंडियन, ही इज आल्सो द ओनली इंडियन टू हिट द फास्टेस्ट सेंचुरी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इन T20 फॉर्मेट। जो फ्लो संजू सैमसन को मिला वैसा फ्लो किसी और को नहीं मिला, बट संजू सैमसन माई मैन व्हाट अ सिंसिलेटिंग इनिंग्स दैट ही हैज प्लेड येट अनदर टाइम दैट टू इन फ्रंट ऑफ साउथ अफ्रीकन बोलिंग लाइनअप, जो कि बांग्लादेश बोलिंग लाइनअप अपनी होम कंडीशन पे काफी ज्यादा थ्रेट है, लेकिन संजू सैमसन ने पीछे पलट के नहीं देखा। यही होता है ना जब मैनेजमेंट कॉन्फिडेंस दे, ऑल्दो साउथ अफ्रीकन बॉलर्स वाज़न दैट बैड बट इट वाज संजू सैमसन जिसने उनकी लाइन और लेंथ को हिला दिया। 50 बॉलों में 107 रन और अगर संजू सैमसन की प्रोग्रेशन देखें आप, कि शुरू के 27 बॉलों में 50 रन आए और अगली 20 बॉलों में 50 रन आए, 47 पे इसने 50 किए, सो इट शोस कि वन इज नॉट इवन बीइंग सेल्फिश। मतलब संजू सैमसन ने बैक टू बैक दोनों सेंचुरियों में यही खास चीज दिखाई कि संजू सैमसन ने पहले वाले गेम में भी और अगले वाले गेम में भी, दोनों में सबसे बड़े जो कॉमन फैक्टर थे वो दोनों में कॉमन फैक्टर ही ये थे कि संजू सैमसन पुश द पेडल व्हेन इट रिक्वायर्ड द मोस्ट। 27 बॉलों में 50 करने के बाद उसने अगली बॉल 20 बॉलों में 50 मारी, यानी पहले सेट ऑफ 50 को और नेक्स्ट सेट ऑफ 50 को उससे भी ज्यादा तेज किया। सो ये रिफ्लेक्ट करता है कि एक जो बंदा है वो यहाँ सेल्फिश नहीं हो रहा, वो यहाँ ये नहीं सोच रहा कि मैं अपने लिए रन बना लूं। शानदार परफॉर्मेंस और 107 इसके अंदर संजू बाबा क्या भाई साहब, इस बंदे ने बांग्लादेश के अगेंस्ट सेंचुरी मारी थी जो लास्ट T20 मैच इसने खेला था, आउटस्टैंडिंग बल्लेबाजी की थी, 5 छक्के मारे थे एक ओवर के अंदर, और आज संजू सैमसन ने फिर से सेंचुरी मारी, फिर आउट क्लास सेंचुरी मारी जिसके लिए वो फेमस होता है, उसकी सेंचुरी हो चुकी हुई थी, उसने 12वें 13वें ओवर में सेंचुरी कर ली हुई थी, उसके बाद इंडियन टीम ने स्लो तो खेला लेकिन जो संजू सैमसन खेल के गया ना तबाही बल्लेबाजी, मतलब कि ये बंदा है तो है क्या चीज, अखीर किस्म का बल्लेबाज है। पहली सेंचुरी इंडिया के अंदर, दूसरी सेंचुरी साउथ अफ्रीका के अंदर, कोई मजाक है T20 के अंदर लगातार दो मैचेस में सेंचुरी मारना, किसी ने मारी है? नहीं, आई थिंक नहीं मारी किसी ने। यार सही बात है, T20 क्रिकेट के अंदर लगातार दो मैचेस के अंदर सेंचुरी मारना, वो भी डिफरेंट कंट्रीज के अंदर, संजू सैमसन तुम चीज क्या हो? और बिल्कुल कंडीशंस अलग है, ऐसी वैसी कंडीशन, यहाँ पे बॉल पेस के साथ आ रहे, लेकिन आपने देखा उसका स्टाइल ही चेंज हुआ, उसने ऐसा ऐसी जात का छक्का मारा संजू सैमसन ने, जैसे मर्जी फास्ट बॉलर हो जाए वो नहीं रुका उसने, मेरा ख्याल है कि अफ्रीका के अंदर फास्टेस्ट सेंचुरी स्कोर कर दी है। अखीर किस्म का ये बल्लेबाज है, क्या खेलता है, इससे ये साबित होता है कि संजू सैमसन के लिए जो इतने अरसे से आवाज उठ रही थी वो बिल्कुल सही उठ रही थी, ये प्लेयर सच्ची में लाजवाब प्लेयर है, इसने साबित किया है। और मैं तो अब कंफर्म हो गया हूँ कि भाई साहब 2026 के अंदर ये लाजमी होना चाहिए अफ्रीका को, अफ्रीका के अंदर जहां पे आपका अभिषेक शर्मा आते साथ ही आउट होकर चला गया, जहां पे आपके सूर्या का बल्ला नहीं चला, जहां पे आपके जैसे कहते हैं रिंकू का बल्ला नहीं चला, जहां पे हार्दिक आउट हो गया, यहां पे अक्षर आउट हो गया, वहां पे वन एंड ओनली संजू सैमसन ने रन मारे और अखीर मारे। तिलक वर्मा भी अच्छा खेल के गया, तिलक वर्मा ने इंप्रेस किया, मेरे को रोल दिया गया, उसने आके अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाई, अगर हार्दिक चल जाता, रिंकू चल जाता तो रन ज्यादा हो जाते। और साफ सी बात है संजू सैमसन ने दिल जीता है, सीआईडी में कहते थे ना दया दरवाजा तोड़ो, वैसे बात भाई। हां तो जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे पाकिस्तान मीडिया जमकर संजू सैमसन की तारीफ कर रहा था, और बनता भी है क्योंकि संजू सैमसन को लगातार आप देखिए कि टीम में इंक्लूजन नहीं हो रहा था उनका, लगातार उनको बेंच में बिठाया जा रहा था, लेकिन जब से गौतम गंभीर की मतलब मैनेजमेंट आई है तब से उनको प्रमोट किया गया और वो ओपनिंग में भी उनको प्रमोट किया गया, और कह सकते हैं ओपनिंग में वो बिल्कुल ढल गए हैं एक तरीके से, उनके अंदर से हमें रोहित शर्मा के जो
विंटेज रोहित शर्मा उनकी नजर आ रही है और जिस तरीके से ताबड़तोड़ छक्के वो मारे आज तो 10 छक्के जिस तरीके से मारे और 93 मीटर का भी उनमें एक छक्का था तो समझ सकते हैं कि बड़े बड़े छक्के आज तो मतलब मार रहे थे संजू सैमसन। और ऐसा लग रहा है कि एक टीम इंडिया के मैनेजमेंट को एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि आप मुझे मतलब T20 से आप मुझे नहीं निकाल सकते या टीम से आप बाहर नहीं कर सकते, मेरा तो ओपनिंग स्लॉट एकदम से मतलब पकड़ के रख लीजिए कि मतलब अब कोई छीन ही नहीं सकता। तो इसी तरीके के संजू सैमसन को अब तो कोई मतलब कोई भी नहीं मतलब टीम से बाहर निकाल सकता और जिस तरीके से परफॉर्मेंस करके बैक टू बैक दिखा दिए हैं। और उसके बाद भारत की आज जीत में अगर दो मतलब आप नाम लीजिए तो एक तो हमारे जो बॉलर हैं भारतीय बॉलर जो एक तरफ से एक तरफ मैच करके रख दिए, कभी एक टाइम पर लग रहा था कि ये शायद कम पड़ जा रहा है लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। और संजू सैमसन जो कि मतलब पहले ही इतने रन बना दिए तो बावजूद 202 रन बन चुके। दोस्तों इस वीडियो में इतने, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर कॉल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। मैं रुकता हूं, जल्दी मिलूंगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।